ओके गाइस, तो हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं जिसका परसेंटेज चेंज। इसके तहत मैं इम्पोर्टेंट आपको बताऊंगा जो कि आपको इजी वे में ये हो सकेगा। ये सबसे शॉर्ट है, इसे आप ध्यान से समझिए। इसके लिए हम लोग करते हैं, इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, उसके बाद ये नया कॉन्सेप्ट है परसेंटेज चेंज। तो इसको देखते हैं, सबसे पहले प्रतिशत परिवर्तन जिसे कहते हैं, ओके, प्रतिशत परिवर्तन या परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे होगा ये आपको देखना है। इसके लिए मैं एक नॉर्मली अभी लिख रहा हूँ इंडिकेट करने के लिए, एफ माइनस आई अपॉन आई इंटू 100। ओके, एफ जो है यहाँ पे, एफ जो है क्या है, फाइनल वैल्यू। ये सब मैं समझने के लिए अभी लिख रहा हूँ, आपको ये कुछ भी याद नहीं करना नहीं के, ओके, कि f माइनस आई अपॉन आई इंटू 100, ये फॉर्मूला नहीं है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक। तो फाइनल वैल्यू i जो है यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू को अंतिम मान इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान, ये क्या होता है, इसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि प्रारंभिक मान और फाइनल वैल्यू है ना, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू क्या है, ये फॉर्मूला हालांकि मैंने क्यों लिखा, इसको सिंपली कुछ नहीं है, ये समझने के लिए अभी हम लोग इसके लिए आगे एक स्टेप पढ़ेंगे, तो इसको आप भूल जाएगा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे बोलूं कि कोई नंबर था वो 25 से बढ़कर 40 हो जाता है, ओके, 25 से 40 हुआ तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ओके, वृद्धि हुई। चूंकि परसेंटेज परिवर्तन जो है दो प्रकार से हो सकता है, या तो क्या होगा, या तो वृद्धि होगी या क्या होगी, कमी। देखिए परिवर्तन हमेशा दो प्रकार से होता है, या तो किसी में वृद्धि हो जाए, ओके, या इसकी वैल्यू बढ़ जाए तो परिवर्तित हो जाएगा, या क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, परिवर्तन बोलेंगे। तो यहां देखिए कोई नंबर है 25 से 40 हो गया, ठीक है, तो 25 से 40 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना है कि इसमें प्रारंभिक वैल्यू क्या है, यानी कि जो हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू देखा था और फाइनल वैल्यू। तो आप देखेंगे जो 25 है ये इनिशियल वैल्यू है हमारी, आई प्रारंभिक मान है, क्योंकि 25 से ही बढ़कर क्या हुआ 40, ये नंबर पहले 25 था, इसी से बढ़कर के क्या हुआ 40 हुआ है, ओके, तो ये जो हमारा 25 है ये इनिशियल होगा और जो 40 है ये क्या होगा, फाइनल वैल्यू होगा। अगर आप ये बेसिक समझ गए तो आप जो परसेंटेज वृद्धि होगी इसमें, ओके, परसेंटेज वृद्धि, तो इजी वे में निकाल सकते हैं कि परसेंटेज वृद्धि क्या होगा, आप इसकी जगह रखिए अगर, तो 40 माइनस 25, ओके, एफ की जगह मैंने 40, आई की जगह 25 इंटू 100। इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 15/25 गुणित 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 25 चौके 100 और 15 चौके 60, तो आप बोलेंगे 60% की वृद्धि हुई, ओके। ये मैं बता रहा हूँ कि ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको वेरी शॉर्ट में बताऊंगा कि आप 60% डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते थे, ये अभी हम लोग थोड़ी देर से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि अगर हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से जाते तो ये कैसे होता, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, ओके, मैथमेटिक्स में, तो उसको कर रहे हैं हम लोग। तो आप सिंपली क्या बोलेंगे कि 60% की वृद्धि हो गई, इसका अर्थ है यदि कोई नंबर 25 से बढ़कर के 40 हो गया तो उसमें 60% की वृद्धि हुई है, ओके। इसी का सेकेंड देखते हैं हम लोग, जस्ट इसको मैं रिवर्स कर रहा हूं, ओके, अगर मैं यहां लिख दूं कि जो 25 है ये 40 से कितने प्रतिशत कम है, ओके, यानी कि जो 25 है 40 से कितने प्रतिशत कम है, अगर इसको देखें हम लोग तो इसके तहत क्या होगा, जो 25 है आपको ये देखना होगा कि इसमें इनिशियल वैल्यू 25 है या फिर 40 है। अगर आपने यहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की तो आपका आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। आपको ये देखना है कि ये नंबर जो था पहले 40 था उसके बाद 25 हुआ, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा
25 40 से कितने प्रतिशत कम है, इसका अर्थ है इनिशियल वैल्यू जो थी प्रारंभिक मान वो 40 था, 40 से घटकर 25 हुआ है, तो आपसे पूछ रहा कितने प्रतिशत की कमी आई या कितने प्रतिशत कम है। ओके, तो आप परसेंटेज जब आप कमी निकालेंगे, प्रतिशत कमी, तो आप क्या करेंगे, दिस इज अ फाइनल वैल्यू एंड दिस इज अ इनिशियल वैल्यू, तो आप क्या करेंगे इसमें से 40 माइनस सॉरी 25 माइनस 40 करेंगे अपॉन जो आई है, अब आपका आई चेंजेस हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 40 बटे 100। ओके, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 15 बटे 40 बटे 100। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे ओके, तो इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जीरो से जीरो कैंसिल कर दिए, ये चार से क्या होगा, और दो से दो दूनी चार और दो पंचे 10। अब देखिए आपका ये जो है कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो इसको सीधे कर लीजिए, 15 पना 75 बटे 2 माइनस है, तो इसका क्या आएगा 37.5%। चूंकि माइनस साइन लगा रहेगा इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कमी, इतने प्रतिशत की कमी हुई। यही हम लोग अगर प्रॉफिट एंड लॉस पे कर रहे होते तो उसमें क्या होता है, दिस इज अ लॉस, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता कि यहाँ पे हानि हुई है, और सेम वहां पे यही रहता कि कोई वस्तु यदि 40 में खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस हो जाता जिसे आई से इंडिकेट कर रहा मैं, है ना, और जो एसपी हो जाता सेलिंग प्राइस वो 25 हो जाता। तो हम लोग उसे डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, बस ये बेसिक था। अब इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, ओके, ये तो हालांकि ये भी शॉर्ट ही है, बट आपको ये रिमेंबर नहीं करना, इसको मैं और शॉर्ट कर रहा हूं। तो आई और एफ आपको कॉन्सेप्ट दिया था, इसको समझाने के लिए मैंने ये समझाया, ओके, तो सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज चेंज में हम लोग वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट, कि कितनी वृद्धि के लिए अगर देखें तो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज यानी जिसे ओके परसेंटेज इंक्रीज करें हम लोग, तो इंक्रीज करने के लिए देखिए, जैसे हम अगर मैं लिख रहा हूं यहां कॉन्सेप्ट, जो आरंभिक मान था, आरंभिक मान आई को यदि ओके आरंभिक वैल्यू या मान जो आई था, आई को 10% बढ़ा दिया जाए, ओके, यानी आई को 10% बढ़ा दिया जाए, ओके, तो आई को अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो क्या मैं इस तरह से फाइनल वैल्यू लिख सकता हूं, एफ बराबर, ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आई प्लस आई का 10%, यही होगा, क्योंकि आई का 10% ही इसमें ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि किसी व्यक्ति को आपने 100 रुपए दिए, ओके, और उसको आपने उससे बोला कि 10% का इंटरेस्ट लूंगा, तो क्या होगा, जब रिटर्न करेगा तो आपको 10% बढ़ा के देगा, तो आप क्या करेंगे, 100 रुपए तो वो देगा ही, प्लस आपका 100 का 10% पहले निकालेगा, और जो भी आपका बनेगा 10 रुपए बनेगा ये, तो आपको 100 + 10 = 110 रुपीज आपको रिटर्न करेगा, ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को देखा मैंने यहां सिर्फ लिख दिया कि आपकी इनिशियल वैल्यू जो भी थी मान लीजिए 100, और आई का ही 10% निकालेगा। इसको मैं और सॉल्व कर रहा हूं, आपका ये फॉर्मूला नहीं, ये ट्रिक बनाने जा रहे हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से, ताकि आपको याद न रखना पड़े। तो आई प्लस आई का जगह क्या रख सकते हैं, इंटू 10/100, ओके, इसको कर सकते हैं हम लोग 10%, है ना, तो आई यहां से आई देखें तो आई क्या होगा कॉमन, 1 + 10/100, इसको और सॉल्व करें तो आई इंटू, देखो एलसीएम लेंगे तो 100 100 + 10, तो क्या होगा 100 + 10/100, ओके, इसको जब आप और आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, एफ इक्वल्स टू आई 110/100, ओके, अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एफ बराबर क्या होगा, आई गुणे 100 का जब आप भाग देंगे तो क्या होगा 1.1, 100
या दशमलव के बाद जीरो का कोई इसके लिए वैल्यू नहीं, तो आप इसे क्या कर सकते हैं फाइनल आई गुणे 1.1। तो आपका ये एक चीज निकल के आया कॉन्सेप्ट कि आपको 10% की वृद्धि करनी है तो इनिशियल मान में आपको कितना का गुणा करना पड़ेगा 1.1 का। इसे हम लोग जो एग्जांपल हमने दिया था अगर उसको देखें कि आपको 100 रुपीज दिया था आपने किसी को, इसमें 10% की वृद्धि करने को कहा गया था क्योंकि इंटरेस्ट था, तो आप क्या करें 100 को सीधे अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें 1.1 से, तो देखिए ये दशमलव हटाने के लिए एक जीरो कैंसिल होगा, 10, 11, 110, तो आपका डायरेक्ट ही क्या मिल गया 110 रुपये। तो आपको अगर ये आप कॉन्सेप्ट याद रहा कि अगर किसी इनिशियल मान जो दिया गया था उसमें अगर 10% की वृद्धि करनी है तो आपको उसमें कितने का गुणा करना होगा 1.1 का। ओके, तो सिंपली क्या हो जाएगा वो इसका डायरेक्ट आपका मान याद आ जाएगा, ना ही आपको कोई चेंजेस करना ना ही कुछ। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के तहत अगर आपको आई में 20% की वृद्धि करनी हो, है ना, 10% की जगह क्या करना हो 20% बढ़ा दिया जाए, तो सिंपली आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ चेंजेस होगा 20, यहाँ भी क्या हो जाएगा 20, बाकी कहीं भी मेजर चेंजेस नहीं आएगा, यहाँ 20, यहाँ 10 की जगह 20 हो जाएगा, यहाँ 110 की जगह क्या हो जाएगा 120, अब यहाँ 1.1 लिखा था क्या आ जाएगा 1.20, जीरो फिर रिमूव करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1.2। इसका अर्थ अगर आपको 20% की वृद्धि करनी हो तो आपको सिंपली क्या करना होगा 1.2 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इनिशियल वैल्यू को, तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको तीन टॉपिक जो मोस्टली हम लोग कवर करेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड SICI, ओके, तीनों में एक साथ यूज होगा और सबसे यानी कि सक्सेसफुल यूजेस हो गए इसके SCI और SI, क्योंकि डायरेक्ट इसमें क्या आ जाएगा आपका जो ब्याज वैल्यू होती है अमाउंट डायरेक्ट आया करेगी और उससे इजी सबसे फॉर्मेट होगा। जैसे देखिए ये अमाउंट आ गया मिश्रधन जो होता था 110 रुपए, ओके, तो हम लोग तीनों में इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इसे आप इसे ध्यान से समझिए, इसके पूरे जो मान होते हैं उसे मैं टेबल बना के लिख रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग वृद्धि को देखते हैं, फिर उसके बाद प्रतिशत कमी को भी देखेंगे इसमें। ओके, तो सबसे पहले मैं जो वैल्यू आपको टेबल के रूप में दे रहा हूं वो दे रहा हूं प्रतिशत वृद्धि की। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यदि किसी प्रारंभिक मान को 10% से वृद्धि की जाए, ओके, तो इसका अर्थ है आप आई में जो मल्टीप्लिकेशन कितना करेंगे 1.1 का। ओके, इसी तरह यदि आपका 20% हो, 20% की वृद्धि की जाए तो आप क्या करेंगे 1.2 इसे लिखेंगे, 20% की वृद्धि जो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा था उसी के तहत। ओके, 30%, तो 30% क्या होगा 1.3, 40% 1.4, 50% की वृद्धि करना है तो 1.5, 60% की वृद्धि करना है तो 1.6, 70% की वृद्धि करना है तो 1.7, 80% की वृद्धि करना है तो कितना होगा 1.8। ओके, यदि 90% की वृद्धि करना है तो आप क्या लिखेंगे 1.9। ओके, अब इधर के बाद थोड़ी सा इसके बीच की वैल्यू लेना, जैसे मान लीजिए आपको ये बोले कि आपको सिर्फ 2% की वृद्धि करना है, ये तो सिंपली था 2% की वृद्धि करना है, तो आपको समझना होगा कि जब आप 2% की वृद्धि करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 102/100। ओके, 2% की वृद्धि करने पे ऊपर ही वृद्धि होती है तो 102 हो जाएगा, जितने करने ऊपर जोड़ दिया करें आप 100 में तो 102, तो इसको जब आप करेंगे तो क्या आएगा 1.02, इतने का मल्टीप्लिकेशन करना होगा आपको। इस तरह से अगर 5% की वृद्धि करनी हो तो क्या करेंगे 1.05 का आप मल्टीप्लिकेशन करिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी को और फर्दर मोर करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए आपका 12% का एग्जाम में पूछता है तो आप क्या करेंगे 1.12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 15% का तो क्या करेंगे 1.15%, 25% अधिकतर पूछता है तो आप इसे क्या करेंगे 1.25 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्रारंभिक वाले में इनिशियल में। तो ये लगभग सभी कॉन्सेप्ट हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए 90% तक तो मैंने समझा दिया था, अगर आपको बोलता कि किसी में सीधे 100% की वृद्धि करना है आपको, ओके, डायरेक्ट
100% ही वृद्धि करना है। तो 100% को आपको समझना होगा जैसे कि हम लोगों ने वहां देखा था कि 100% तो आई कॉमन आई प्लस आई का ही क्या करेंगे 100% करेंगे। इसको अगर हम लोग फर्दर और सॉल्व करें तो आई कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 100 बाय 100। ओके, परसेंटेज का मान मैंने रखा, तो इसको आप जब कैंसिल करेंगे 0 0 तो क्या होगा आई 1 प्लस 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आई इंटू टू। इसका अर्थ है 100% वृद्धि करने के लिए आपको 2 का गुणा करना होगा, जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि यदि कोई वस्तु अपने आप की दुगना हो जाती है तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका अर्थ है दुगना होने में 100% पूरा मूलतः वृद्धि हो जाती है। इस तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें 200% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका अर्थ है आई को आपको कितने से गुणा करना होगा 3 से। इसका अर्थ है कोई वस्तु यदि अपने आप की 3 गुना होती है तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है 200। ओके, तो इसी तरह अगर आपसे और फर्दर पूछे 300% की वृद्धि करने को बोले तो इसका अर्थ है आपको 4 गुना हो गई है वस्तु ना। और इसी तरह अगर आपसे पूछे कि कोई वस्तु अपने आप की 7 गुना हो गई है, 7 गुना है, इसका अर्थ उसमें कितने का 600% की वृद्धि हुई है। 8 गुना बोले तो कितने की हुई है 700% की। 100% हमेशा कम होगा क्योंकि 100 वो खुद होगी जब भी गुना होती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में मोस्टली यूज होगा तो इससे भी आप याद रखिए। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं परसेंटेज कमी प्रतिशत परिवर्तन के तहत कि प्रतिशत कमी को कैसे हम लोग करेंगे। तो ये पूरे आपको फ्रैक्शन याद रखना पॉइंट वाइज, जो डेसिमल के मैंने इंडिकेट किया, याद करने के लिए सिंपली आप क्या करिए इनको समझिए, अंडरस्टैंडिंग करिए कि जो भी आपको वृद्धि करनी है इसका अर्थ है कि आपको क्या करना है उतने को ऊपर जोड़ देना है। ओके, और 100 का नीचे क्या करना है डिवाइड कर देना है, तो क्या आएगा पॉइंट प्लस का माना जाएगा। अब देखते हैं हम लोग प्रतिशत कमी कि परसेंटेज कमी को कैसे हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो कमी डिक्रीजेस, जिससे डिक्रीज यदि परसेंटेज को डिक्रीज किया जाए तो उसको कैसे हम लोग इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो सिंपली यदि मैं लिखूं कि आई जो था आई को 10% घटा दिया जाए। ओके, तो फाइनल वैल्यू जो होगी क्या होगा आई माइनस, अब घटाना है कम करना है ना, घटा दिया जाए या इसी क्या कहते हैं कम कर दिया जाए, तो आई को क्या करेंगे आई का ही उससे 10% घटा देंगे हम लोग कमी करना है तो इसको अगर और हम लोग सॉल्व करें तो आई माइनस आई बड़े 10/100, सेम कॉन्सेप्ट है, जहां वहां प्लस किए थे वहां पे क्या हो जाएगा माइनस। तो एक आई कॉमन लें तो 1 माइनस 10/100, तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो आई ये क्या होगा 100 माइनस 10/100, तो आपका जब इसे और करेंगे तो आई बड़े 90/100। ओके, इसको अगर हम लोग और करें तो क्या आ गया एफ बराबर आई बड़े 90/100, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आई बड़े ये 0 से 0 कैंसिल, अगर 0 मान लीजिए कैंसिल नहीं भी करते हैं तो ये क्या होगा आई बड़े 0.90। ओके, तो आई पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे जब भाग देंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा आई बड़े। ओके, अब इसे आप 0.90 भी लिख सकते हैं, 0.9 भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ है जब भी आपको 10% की कमी करना है इनिशियल वैल्यू में तो आप 0.9 का सीधे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो सिंपली जैसे 100 पेज वाले में समझा था, तो 100 में अगर 0.9 का माइनस करेंगे तो आपके आगे आ जाएगा 90, इसका अर्थ 10% की कमी होगी। तो इसी तरह जैसे हम लोगों ने वृद्धि वाले लिखे थे पूरे, तो मैं कमी वाले कुछ लिख देता हूं टेबल पे। इसका अर्थ कमी करने के लिए आपको हमेशा 100 से कम वैल्यू होगी ना, तो कमी जो करेंगे 100 में उतने माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे टेबल पे जैसे लिख रहा हूं 10% की यदि क्या कर दिया है कमी कर दिया है, एरो जो डाउन एरो लगा रहे हैं इसका अर्थ है कमी, तो क्या आप क्या करेंगे आई को 0.90 या ठीक है क्या लिखेंगे आई इंटू 0.9, इतना सिंपली। यदि 20% की कमी की जाए तो आप क्या लिखेंगे 0.8, 30%
क्या देखें 0.7, वही 70 होगा, उसको सिर्फ 0.7 लिख सकते हैं। 40% की कमी की जाए तो आप क्या लिखेंगे 0.4, 50% की कमी की जाए तो क्या लिखेंगे 0.5। ये याद रखना 0.5 ये 50% की कमी को दर्शाता है। 60% को क्या लिखेंगे आप 40% वाला थोड़ी सा होंगे आप, 40% की कमी वाले क्या लिखेंगे 0.6 लिखेंगे, ओके। 50% की 0.5, 60% को आप 0.4, 70% की यदि कमी की जाए क्या लिखेंगे 0.3, इस तरह से ये आ जाएगा 1 पे। तो इसके अलावा अगर आपको जो बीच के होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको बोले कि 5% की कमी की जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 100 में से आप उतना घटा दीजिए क्या आएगा 95/100, ओके। तो इसको क्या लिखेंगे 0.95, ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये पूछता है, तो 0.95 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। जैसे 0.8% की आपको कमी करने को आए तो आप क्या लिखेंगे 0.92। इस तरह से 15% अगर पूछे कमी करने को तो क्या लिखेंगे 0.85, 25% की कमी तो क्या लिखेंगे 0.75, ओके। इस तरह से ये फर्दर मोड आगे भी होते जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको कमी करनी है तो 1 से कम मान होगा वैल्यू, ओके, या 100 से कम आप देख रहे हैं, और जब भी आपको वृद्धि करनी है तो 1 से ज्यादा की वैल्यू का आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ओके। तो जो 1 है आपका, इससे समझिए कि यदि आपको कमी करनी है तो क्या करना होगा, 1 से कम मान का आपको गुणा करना होगा ना, लेस देन 1, ओके, इसका गुणा करना होगा। और अगर आपको वृद्धि करनी है तो 1 से अधिक मान का आपको गुणा करना होगा, ओके। तो 1 से कम मान ये पॉइंट में आएंगे सभी, और 1 से ज्यादा 1.12 इस तरह से आएंगे, ओके। तो आई होप ये वाला आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसका और एक यूजेस और है, हम लोग उसे देखते हैं, ठीक है। अब इसके यूजेस में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, और इसका यूज क्या है उसको मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए अगर आपको डायरेक्ट एफ अपॉन आई निकालने हैं तो आपको क्या होगा, जितने भी प्रतिशत की या तो कमी हुई है या वृद्धि हुई है उसका यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज आएगा। जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि कोई संख्या 25 से बढ़कर, ये वाला एग्जांपल अभी इससे पहले मैंने इसी लेक्चर में आपको समझाया था कि 25 से बढ़कर 40 हो जाती है ना, तो उसमें कितने प्रतिशत क्या हुई वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो आपको ये देखना था कि ये क्या हुआ गया था, हमारा आई हुआ था और ये एफ हुआ था। अगर आप अब उसमें हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया था एफ माइनस आई अपॉन आई इंटू 100, इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया था और हम लोगों ने आंसर प्राप्त किया था कितने परसेंट, 60% की वृद्धि हुई है, ओके, जस्ट इससे पहले अभी सिर्फ 15 मिनट पहले। अब इसको देखें हम लोग एफ अपॉन आई डायरेक्ट अगर निकालें तो देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा, ना तो आपको माइनस करना होगा ना ही 100 का मल्टीप्लिकेशन, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए एफ अपॉन आई इक्वल टू क्या होगा 40/25, इसको सॉल्व करें अगर हम लोग और तो 5×8=40 और 5×25 ये आ गया 8/5, ओके। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसके लिए मैंने दो मेथड बताई थी, अभी मैं उसको और एक्सप्लेन करता हूँ, आपको ये समझना है। कुछ लोग इससे क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे भाग देंगे, देखिए जैसे 5×5 भाग नहीं जा रहा, 3 बचा तो दशमलव लगाएंगे क्या हो जाएगा 30, तो 5×30 तो ये आ गया आपको 1.6। अभी हम लोगों ने याद किया था कि जब भी 1.6 आएगा तो इसका अर्थ कितने होगा 60% की वृद्धि, क्योंकि 1.5 हम लोगों ने देखा था 50% की वृद्धि, 1.6 कितने 60% की वृद्धि, क्योंकि एक से अधिक मान है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कितने की होगी 60% की वृद्धि हुई। अब देखिए इसमें कितना अंतर आ गया, यही आपको क्या करेगा एग्जाम में मैथ्स का स्पीड आपको बढ़ाएगा कि आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी। अब देखिए स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ लोग यहाँ पे आपने भाग दिया, यहाँ तो छोटा सा डेटा है तो आपने इजी भाग दे दिया 5×8 में, इसको और अगर कोई करना चाहे तो देखो कैसे करेंगे, ऊपर वाला मान जब भी अधिक रहेगा, कल मैंने इसको कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में,
तो इसको अगर देखिए, अगर ये वाला मान कितना अधिक है, आपको ये निकालिए कितना अधिक है, 3, इसका अर्थ उतनी ही वृद्धि हुई होगी। तो जितना अधिक होगा, अगर ऊपर वाला मान बड़ा है तो इसका अर्थ वृद्धि हुई। कितना अधिक है, 3, तो 3/5 की वृद्धि हुई। आपको 1/5 का हम लोगों ने टेबल पे याद कराया था 20%, ओके। तो 3/5 का क्या होगा, 60%। 3 × 1/5 करेंगे इस तरह से, तो आपका क्या आ जाएगा, 60%। तो इस तरह भी आपको भाग भी नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इतना 60% की वृद्धि हुई। ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे इजी है। अब देखिए इसका यूजेस क्या है, आपको परसेंटेज में इस तरह से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, प्लस इसको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में भी हम लोग करेंगे। साथ ही यहाँ पे देखिए, अगर इसको और करें हम लोग तो प्रॉफिट एंड लॉस पे भी इसका यूज होगा, ओके। इसको फाइनल वैल्यू को अगर इस तरह से क्वेश्चन वहां बन जाएगा, अभी मैं उसको नहीं डिस्कस कर रहा, सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे भी इससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने कहा कि एक वस्तु को उसने 25 रुपए में खरीदा था और 40 रुपए में बेच दिया, तो उससे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो आप देखेंगे कि ये वाला क्या कहलाएगा, उधर कॉस्ट प्राइस कहलाएगा आई जो है, और बेचने वाले को सेलिंग प्राइस कहते हैं एसपी। तो आप वहां कुछ नहीं कहिए, एसपी अपॉन सीपी अगर निकाल दें तो सेम ही होगा, और डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कितना हुआ, 60% की उसे क्या हुआ, लाभ। यहां जिसे हम लोग प्रतिशत वृद्धि कह रहे हैं वहां बोलेंगे प्रॉफिट, ओके। तो वहां भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप लर्न करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपका ये मैथ्स में बहुत काम आने वाला है, ओके। इस तरह से कमी का अगर देखें तो कमी का भी इजी वे में इसी तरह आ जाएगा। जैसे देखते हैं, अगर हम लोगों ने देखा था कि जो 25 से 40 से कितना कितने प्रतिशत कम है ना, ये देखा था कितने प्रतिशत कम है, ओके। तो यहां पर रिवर्स हो गया था कि आई ये था, एफ ये था, तो रिवर्स हो गया था। तो इसी को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, रिवर्स एफ अपॉन आई का अगर निकालें तो क्या होगा, 25/40। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5/8, ओके। अब देखिए, अब यहां पे चूंकि नीचे वाला क्या है, जो हर है वो अधिक है, इसका अर्थ है कमी हुई है, आपको ये समझना है। इसको आप जब भाग देंगे तो वही आएगा सिंपली उसका, ठीक है। इसको जब भाग देंगे तो 50 का होगा ये दशमलव में, तो 8×48 हो जाएगा, ओके। 8×48 क्या होगा, 48 आपका 2 बचेगा तो 20 होगा, 8×2=16, और फिर जब आप दशम फिर क्या होगा, 8×5=40। चूंकि परसेंटेज था तो आप 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आएगा 62.5। आपको ये देखना है कि ये 100 से कितना कम है, आपको 100 से माइनस भी करना होगा, तो 100 से कितना कम था, ये 37.5% की कमी, ओके। ये थोड़ी सा डेटा वो था, इसलिए थोड़ी सी टफ से लगा। आप सिंपली इसे यहां भी कर सकते थे कि ऊपर वाला कितना कम है, ओके। तो कितना कम था, 3/8, ओके। तो 3/8 का आपको मान सीधे कल मैंने याद करवाया था 37.5%, तो आप कह देंगे 3% की कमी हुई, क्योंकि ये वाला डेटा कम था ऊपर वाला, ओके। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इजी वे में कर सकते हैं। इसके हम लोग लैंग्वेज के क्वेश्चन करते हैं कि लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चनों को कैसे इसके तहत हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलिए इसके आधारित हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं परसेंटेज चेंज पे जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया उस पे अब क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, इस वर्ष एक किसान ने 1200 किलोग्राम चावल का उत्पादन किया, यदि अगले वर्ष में 1500 किलोग्राम चावल का उत्पादन करना चाहे तो उसे उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, ओके। तो आप इसे जब सिंपली सॉल्व करेंगे अगर, तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि पहले अभी वर्तमान में उसका 1200 किलोग्राम चावल का उत्पादन था, और फाइनली उसे कितना करना, 1500 किलोग्राम चावल का उत्पादन। आप देखेंगे इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही तो निकालना है। तो मोस्टली स्टूडेंट करेंगे कि 1500 में से 1200 घटा देंगे तो आएगा 300 किलोग्राम की वृद्धि हुई। आप क्या करेंगे, 300 किलोग्राम, और जो कि इनिशियल कितना था हमेशा प्रारंभिक ही क्या करेंगे, आई ए होगा, फाइनल ये करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके क्या
क्या करेंगे कि 300/1200, ध्यान रखिए हमेशा आई इनिशियल, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था वही क्या होगा अपॉन में लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इनटू 100 करेंगे तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे 3 × 3 = 12, 1/4 × 100 तो क्या होगा 25% की क्या होगी वृद्धि करनी होगी उस किसान को अपने उत्पादन में, तो उसे 1500 किलोग्राम चावल उत्पादित हो जाएगा। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी सही है, लेकिन अगर आपको एक ही उसने करना जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट आप निकालिए एफ अपॉन आई, जैसे हम लोगों ने इसको देखा था एफ अपॉन आई, तो ये जो वाला क्या है ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया, तो डायरेक्ट आप निकालिए 1500/12। देखिए यहाँ पे चूंकि कम वैल्यू थी डायरेक्ट 300 आपका आ रहा था अंडरस्टैंडिंग समझ में, कई बार वो डेटा क्या देता है जैसे 1800, 1527, 1536 इस तरह से देता तो माइनस करने में वहां पे थोड़ी सी होगा, तो 1500/ सीधे कितना करिए 1200, आप इसे सॉल्व करेंगे 201 से, अब इसे 3 से काटिए 3 × 15 = 3 × 12 तो ये कितना आ गया 5/4, जब आप इसे भाग देंगे तो क्या आएगा 1.25, इसका अर्थ आपको पता 1.25 का अर्थ है 25% की वृद्धि। ओके मान लीजिए अगर ये आपको भाग नहीं देना 4 × 4 लगाएंगे तो आप ये देखिए ऊपर वाला कितना है, जब भी ऊपर वाला अधिक होता है इसका अर्थ परसेंटेज वृद्धि हुई है, तो कितना अधिक है 1, तो आप इसे सिंपली लिख सकते हैं कि 1/4 की वृद्धि हुई है, 1/4 को आप जानते हैं कितना लिखते हैं हम लोग 25%, तो आप क्या बता देंगे 25% की वृद्धि हुई है, यही आपका आंसर है। तो ये वाला वेरी शॉर्ट है, इस पे हम लोग और क्वेश्चन करते हैं, तो आप इसको समझिए ये आपका आगे तक काम आएगा सभी क्वेश्चनों में टफ से, अभी तो हम लोग स्टार्टिंग की है। ओके तो चलिए सेकंड क्वेश्चन इस पे करते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं कि दो क्वेश्चन है कि 2012 में गेहूं का उत्पादन 60,000 टन था यदि 2013 में 2013 में 80,000 टन का उत्पादन 80,000 टन का उत्पादन हुआ तो उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ओके तो इसको देखिए 2012 में गेहूं का उत्पादन 60,000 टन था, यदि 2013 में 80,000 टन गेहूं का उत्पादन हुआ तो उत्पादन कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो इसको सेम अगर उसी कॉन्सेप्ट से करें एफ अपॉन आई, आपको ये देखना कि इसमें आई क्या है, जो क्वेश्चन के शुरू में लगभग दिया रहता वही आई होता है प्रारंभिक मान, क्योंकि शुरू में उत्पादन वही बताता है ना, तो आई कितना है यहाँ 60,000 टन और एफ कितना है 80,000 टन, ये उत्पादन हो गया इतना, तो आप अगर एफ अपॉन आई डायरेक्ट निकालें तो क्या होगा एफ है 80,000 और ये कितना 60,000 टन, इसको अगर आप सॉल्व करें तो 2 × 8 = 2 × 3 = 6, आप देखेंगे 4/3। ओके तो इसमें कितने की वृद्धि हो गई है 1 की। ओके तो कितना हुआ 1/3 की वृद्धि हुई है, 1/3 को अगर हम लोग परसेंटेज में देखें तो क्या लिखते हैं 33 सही 1/3 प्रतिशत, तो ये क्या होगा आपका आंसर, आप इसे भाग दे के भी निकाल सकते हैं तो वो भी आएगा, तो सेम ही आएगा, इंटू 100 करेंगे आप 4/3 × 100 तो जब निकालेंगे तो यही आएगा, या इसी को लिख सकते हैं 33.33% की वृद्धि। ओके तो इजी वे में आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम लोग को माइनस भी नहीं करना होगा, डायरेक्ट हम लोग आंसर की ओर करेंगे। ओके तो इस पे आधारित एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए मैं करवाता हूँ आपकी, ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2012 में
मान लीजिए 2012 नहीं, अभी का कर लेते हैं, 2018 में किसी संपत्ति की कीमत ओके 50 लाख थी, जबकि 2019 में ओके ये 40 लाख रह गई, 40 लाख रह गई या हो गई, है ना, 40 लाख हो गई। तो आपको ये बताना है कि संपत्ति की कीमत में कितने प्रतिशत कमी हुई। तो संपत्ति की कीमत में कितने प्रतिशत कमी हुई, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, मैंने परसेंटेज वृद्धि के साथ साथ कमी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया था। तो इसमें डायरेक्ट आप क्या निकालिए, एफ अपॉन आई, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे आपको समझना है कि फाइनल और इनिशियल वैल्यू क्या होगी, ओके। तो इनिशियल वैल्यू क्या थी, 50 लाख। आपको बड़े छोटे से नहीं देखना, प्रारंभिक जो था इसकी कीमत 50 लाख थी, और अभी कितनी हो गई फाइनल, 40 लाख, ओके। तो जब आप इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 40/50। आपको इसी में करना है, इसमें अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक की तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैंने अभी कहा था इसको सिंपली क्या करिए, देखिए नीचे वाला अधिक है, इसका अर्थ क्या हुई है, कमी। अब कितने की कमी है, एक की, तो कितना हुआ, 1/5 की कमी। 1/5 को हम लोगों ने परसेंटेज टेबल पे देखा था कितना इंडिकेट करता है, 20%। तो 20% की क्या होगी, कमी, ओके। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 4/5 इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या होगा ये, ओके। आप इसे क्या करेंगे, 400/5 ना पराठे, तो 80 हो गया, 80/100 से कितना कम है, 20%। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, 20% की कमी है, ओके। और मान लीजिए 100 का गुणा नहीं करना तो इसे भाग दीजिए, 5 एकम 5, भाग लिया तो 0.5, ये 40 रहेगा, 0.5 40। तो हम लोगों ने देखा था 0.8 किसको इंडिकेट करता है, 20% की कमी, इसके लिए भी हम लोगों ने देखा था। तो ये वाला भी आप डायरेक्ट भाग करके देख सकते हैं, अगर ये वाला आपको प्रॉब्लम जा रही है कि 1/5 ये है ना, तो डायरेक्ट आप 5 का भाग दीजिए तो 0.5 40 होगा, 0.8 का अर्थ है 20% की कमी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिए जैसे मान लीजिए 2018 में किसी बाइक की कीमत 50,000 रुपये थी, जबकि मान लीजिए कि आज अभी, जबकि मार्च 2019 में ओके किसी दुर्घटना की वजह से उसकी कीमत 35,000 रह गई, ओके। तो आपको ये बताना है कि इसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो इसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ओके। तो सेम अभी जो हम लोगों प्रीवियस कॉन्सेप्ट अगर आप किया उसी पे कि आप डायरेक्ट एफ अपॉन आई निकालिए, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू का रेशियो निकालिए, उससे आपको परसेंटेज कमी तुरंत मिल जाएगी। तो आपको देखना है कि यहाँ इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 50,000 रुपये, ओके। फाइनल वैल्यू कितनी रह गई है, 35,000 रुपये। तो यहाँ निकालिए 35,000/50,000, ये 3 0 कैंसिल कर दीजिए। आप इसे 5 से काटेंगे तो 5 7 35, ओके, और 15 50।
आपने देखा ऊपर वाला कम है, स्क्वायर तक कमी हुई है, आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं 0.7 लिख सकते हैं। 0.7 कितने को दर्शाता है, 30% 30% की कमी को, इसको हम लोगों ने किया था, यहाँ दशमलव लग जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो ऊपर वाला कितना कम है, 3, तो कितना होगा 3/10, 3/10 का मान आप जानते हैं कितना होगा, 30%। ओके, क्योंकि ऊपर वाला कम था तो 30% की कमी। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ लीजिए, इजी वे में जल्दी फ्रैक्शन का आपको निकालने में आएगा। आप अपनी सुविधा अनुसार जो हो उसे आप अपने अनुसार से कर सकते हैं। ओके, चलिए थोड़ी सा इसका लेवल और अप करते हैं क्वेश्चन पर और इसे कर सॉल्व करते हैं। ओके, परसेंटेज के मैंने कॉन्सेप्ट जो है पूरे बता दिए हैं, अब सिर्फ हम लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए वर्ष 2019 में, ओके, वर्ष 2019 में एक कार कंपनी के उत्पादन में 20% की कमी आई, एक कार उत्पादन ना कार उत्पादक कंपनी एक कार के उत्पादन में 20% की कमी आई, ओके, यदि इसको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर लीजिए, मान लीजिए कि उस कंपनी 2019 से 2020 तक 20 है ना, 20 तक एक कार कंपनी में एक कार के उत्पादन में 20% की कमी आए। यदि आपसे पूछे कि 2019 में उस कार का उत्पादन X था, यदि 2019 में, ओके, उत्पादन X था तो 2020 का उत्पादन ज्ञात कीजिए। ओके, 2020 का उत्पादन ज्ञात कीजिए। आपके मैं चार ऑप्शन इसमें बता दे रहा हूं, चार ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है 1.20x, बी ऑप्शन है 0.80x, सी ऑप्शन आपका जो है 1.25x एंड डी ऑप्शन है आपका 0.20x। ओके, तो आपको इसमें से देखना कि कौन सा सही है। ओके, मोस्ट ऑफ टाइम जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा वो देखते ही बता देगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। ओके, देखिए इसमें सिंपली है कि 20% की कमी हुई है, तो 20% की कमी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 0.80, और चूंकि उत्पादन कितना था x, तो x में 0.0x की कमी आ गई, तो क्लियर क्या हो गया, बी ऑप्शन इसका सीधे हम लोग देख कर बता सकते हैं 0.80x, क्योंकि हम लोगों ने 20% की कमी के लिए याद किया था इसका कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए थोड़ी सा एक क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ी सा लॉजिकली है। ओके, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर उत्पादन पे ही लेते हैं 2019 में, ओके, ज्वार का मान लीजिए, ठीक है, 2019 में 21,000 टन ज्वार का उत्पादन हुआ, ओके, अगले वर्ष उत्पादन में मान लीजिए, अब देखिए मैंने दोनों में डेटा दे रहा था, परसेंटेज में हम लोग करते हैं कि अगले वर्ष उत्पादन में 33.1/3% की, ओके, वृद्धि हुई, तो यानी कि नेक्स्ट ईयर जो हो गया
तो 2020 में, 2020 में उत्पाद कितने प्रतिशत या सॉरी 2020 में कितना उत्पादन हुआ, कितना उत्पादन हुआ। ओके, आपको ये फाइंड आउट करना है कि 2020 में कितना उत्पादन हुआ। तो आप इसमें देखेंगे, इसके मैं चार ऑप्शन आपको बता देता हूं कि ऑप्शन क्या क्या है जो लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है 30,000, ओके। बी ऑप्शन है आपका 28,000 एंड सी ऑप्शन है आपका 25,000 एंड डी ऑप्शन है 33,000, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कि 2019 में 31,000 टन ज्वार का उत्पादन हुआ, अगले वर्ष उत्पादन में 33.3% की वृद्धि हुई, तो 2020 में कितना उत्पादन हुआ। देखिए आप डायरेक्ट अभी हम लोग प्रतिशत वृद्धि को किया था, तो इसको 1.33 अगर लिखेंगे थोड़ी सा वो होगा, आप इसे सिंपली कर सकते हैं कि 33.3%, या तो आप 31,000 का ये निकाल दें फिर उसको सॉल्व करें। इसका हम लोगों ने फ्रैक्शन फॉर्म याद किया था, वो आपके अब यहाँ पे बहुत काम देगा। इसका फ्रैक्शन फॉर्म कितना होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है। इसका अर्थ है 21,000 का आप 1/3 निकाल दीजिए, वही वृद्धि हुई होगी, ओके। तो 21,000 का आप 1/3 निकालेंगे, 3×7=21, इसका अर्थ है 7,000, ओके, टन ज्वार का उत्पादन अधिक हुआ है, ये आपकी वृद्धि हुई है। तो आप कहेंगे कि टोटल जो उत्पादन हुआ, टोटल उत्पादन 2020 में, तो आप क्या करेंगे 21,000 को और 7,000 को जोड़ देंगे, तो आपका क्या आएगा 28,000, ओके। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, ये भी इजी है। अगर हम लोग इससे एक लेवल और ऊपर जाना है तो उसके लिए आपको क्या समझना होगा कि ये जो वृद्धि हुई है, जैसे हम लोग 1.25 25% की होती तो इस तरह से लिख देते, तो ये वृद्धि हुई होगी तो 1 पे हुई होगी ना, तो आप सीधे करिए 1+1/3, इसको सॉल्व करिए तो कितना होगा 3×3=4, ओके। तो कितने की वृद्धि हो गई, 4/3 की, ओके। यह समझ सकते हैं कि 1/3 है, इसमें कितने की एक की वृद्धि हुई है, तो क्या हो जाएगा टोटल 4/3, क्योंकि आज जो 3 था ओरिजिनल वैल्यू, जैसे हम लोगों ने समझा था एक कॉन्सेप्ट को, ओके, ये वाला तो आप समझ गए होंगे। मैं दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रहा इसी का, ये भी बहुत ईजी है आप। तो इसको जैसे 1/3 है, 33.3%, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट किया था फर्स्ट वाले उसमें शुरू में, इसका ये वाला ओरिजिनल मान होता है, ओरिजिनल नंबर जो है हमारा 3 हो गया, इसमें कितने की वृद्धि हुई है 33.3% की, तो हमारा प्रतिशत रिजल्ट कितना आ गया 1, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया था। इसको अगर आप अप्लाई करें तो कितने की, इसका 3 का इतने परसेंट कितना होगा, तो टोटल हमें जो प्रतिशत रिजल्ट होगा, ओके, वो कितना हो गया 4, ओके। तो 4 जब हमारा हो गया तो 4 यूनिट बराबर क्या हो गया 21,000, ओके। तो 1 यूनिट आप इससे निकाल लीजिए, 1 यूनिट कितना हो गया 7,000, जब 1 यूनिट 7,000 हो गया, ओके, तो टोटल जो वृद्धि होगी आपकी 4/3 हो जाएगी। तो आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर इसको ना भी निकालना तो आप डायरेक्ट इसे निकालिए कि जो टोटल वृद्धि हुई है, ये वाला कॉन्सेप्ट इसको समझने के लिए था। तो 4/3 की वृद्धि हुई, 1/3 में एक की वृद्धि हो गई, तो आप 4/3 का सीधे किस में गुणा कर दीजिए 21,000 में, टोटल में वृद्धि हुई, तो 3×7=21, ये हो गया, तो आपका 7×4=28,000, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर, आपको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, हालांकि दोनों कॉन्सेप्ट लगभग एक से हैं, ओके। तो आपको फ्रैक्शन याद रखना है, मैं फ्रैक्शन जो समझाया था उसका इंपॉर्टेंस है, आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सबसे इजी लगे आप उसके एक सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को, दोनों से आंसर एक ही आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी सा ट्रिकी है, जैसे एक राज्य की जनसंख्या में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 15% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 3,45,000 है तो पिछले वर्ष की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ पे पिछले वर्ष की जनसंख्या करना है, ना कि अगले वर्ष की,
नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी को क्या करें, 15% की वृद्धि कर दें। ओके, तो आपको प्रीवियस ईयर की करनी है। आपके चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3,10,000, दूसरा है 30,000, तीसरा है 3,00,000 एंड डी है 30,00,000। ओके, तो आप चार ऑप्शन में से जिनसे कोशिश करिए, जिनसे बन रहा है, मैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपको ये दे रखिए कि वर्तमान जनसंख्या, ओके, तो एक कॉन्सेप्ट है पहले से समझते हैं। वर्तमान में अगर आपको वृद्धि करनी तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं, आप वृद्धि कर देते 1.15 की, 15% को इसी को तरह हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया था, तो उतने की वृद्धि कर देते हैं। चूंकि आपको वन ईयर पहले की निकालना है, तो जो वर्तमान से वन ईयर पहले की डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करिए, मान लीजिए एक वर्ष पहले की, ओके, वन ईयर जो है एक वर्ष पहले की, मान लीजिए एक्स थी, तो आप एक्स में 1.15 की वृद्धि करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3,45,000। इस तरह से कॉन्सेप्ट कर सकते हैं कि जो वर्तमान है कितनी है, 3,45,000 है, इससे पहले की निकालना है तो मान लीजिए x है, x को हम लोग मान लो या 1.15 इतनी वृद्धि करना है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि 15% की वृद्धि करने के लिए हम लोगों ने देखा था इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म 1.15, ये आप याद ही कर लीजिए और साथ ही इसे अंडरस्टैंड कर लीजिए। 15 होगा तो कितना होगा, 115/100, इसी को मैंने 1.15 लिखा, 1.5 लिखा ये। ओके, तो देखिए अब यहां से आपको पिछले वर्ष की निकालना है, तो x माना हमने, तो x बराबर क्या होगा, 3,45,000 बटे कितना होगा, 1.15। ये दशमलव जब नीचे होते हैं तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होता है, ऊपर दो जीरो लगाना होता, तो ये क्या होगा, 3,45,000। ओके, आप ये दो जीरो अलग से बढ़ाइए और नीचे हो जाएगा 115। 115 में आप देखेंगे 15 × 45 = 3, तो 115 का डायरेक्ट 3 बार आप देखेंगे तो 115 से 345 डायरेक्ट कट जाएगा, 115 × 345, तो आपका डायरेक्ट यहां से आंसर क्या है, 3 और कितने जीरो है, 5, तो क्या हो गया, 3,00,000। तो एक वर्ष पहले उस राज्य की जनसंख्या कितनी थी, 3,00,000। ओके, तो आपका कौन सा आंसर सही है, सी वाला, कि उस राज्य की जनसंख्या एक वर्ष पहले कितनी थी, 3,00,000 थी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए, ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अब हम लोगों ने हाई कर लिया, ये क्वेश्चन स्पेशल है और ये हर एक एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप इन्हें बेसिक आप अपने पेन कॉपी ले लीजिए और उसमें सॉल्व करते चलिए, साथ ही इन्हें नोट करते चलिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न पे आधारित है और हर एक एग्जाम से मैंने उठाए, किसी न किसी एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन है। ओके, जैसे हम लोग इतने इजी वे में सॉल्व कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी सा पैटर्न हम लोग चेंज करते हैं। मान लीजिए किसी मात्रा में, ओके, किसी मात्रा में 30% की कमी करने पर, ओके, कमी करने से यह 28-27 अर्थात 2870 इकाई हो जाती है, इकाई यानी कोई भी यूनिट है ना, इकाई हो जाती है, तो आपको ज्ञात करना है वास्तविक मात्रा, ओके, वास्तविक मात्रा इकाई में ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आप इसे अगर उस वे से करने जाएंगे तो थोड़ी सा आपको ये टफ होगा, लेकिन अगर जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्टार्टिंग से मेरा लेक्चर देख रहा है, तो उसको इजी वे मैंने अभी समझाया था, प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो मान लीजिए ओरिजिन जो वास्तविक मात्रा थी वो x थी, तो x में हम लोगों को 30% की कमी करना है, तो 30% की कमी को हम लोग जानते हैं कितना लिखते हैं, 0.7। ओके, किसी चीज में 30% की जब कमी करनी होती है तो हम इसे क्या लिखते हैं, 0.7, इसे हम लोगों ने समझा था। तो 0.7 अगर हम लोग इतना बचा तो इतनी हम लोगों ने कमी कर दी। देखिए, 3 की कमी करनी है, 0.30 ऐसे मत लिखिएगा ना, 30% जब कमी करेंगे तो जो रिमेनिंग होगा वो लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0.7। तो ये कितना रह जाता है, क्योंकि रिमेनिंग पॉइंट दिया हुआ है, 2870 रह जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2870 / 0.7।
अभी मैंने कहा था जितने नीचे पॉइंट हटाना होता है तो उतने जीरो ऊपर रखते हैं, तो एक है तो ऊपर ये कितना हो जाएगा 28 7 1 0 इसमें एक्स्ट्रा और नीचे 7 इसको कट करें 7 4 28 7 1 7 2 0 तो आपको जो वास्तविक मात्रा आ गई कितनी आ गई 4100 ये क्या हो गया आंसर। ओके तो आप इजी वे से समझ गए होंगे कि हम लोगों ने इसे किस प्रकार से किया। तो याद आपको ये रखना है जो मैंने शुरू में फ्रैक्शन और उसके बाद आपको समझाया था प्रतिशत वृद्धि और कमी, अब आपको उसका इंपॉर्टेंस पता चल रहा होगा कि क्या होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, यदि 2005 से 2010 तक चाय के उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई तो 2005 से 2010 तक चाय के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि है ना उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात कीजिए। ओके तो आपको ये बताना है 3 गुना जो कुछ लोग कैसे डायरेक्ट कर देंगे, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि 3 गुना हुई तो क्या होता है उसका कितने प्रतिशत वृद्धि होती है, इसके मैं आपको 4 ऑप्शन बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है 300% वृद्धि हुई, बी ऑप्शन है 200% वृद्धि हुई, सी ऑप्शन है 100% वृद्धि हुई एंड डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ओके इनमें से कोई नहीं, तो इस तरह से इनमें से कोई नहीं। ओके तो इसे आज सॉल्व करने से अच्छे आप लोग जो लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो मैंने कहा जब 3 गुना होगा तो 200% होगा, 4 गुना होगा तो 300% होगा, इस तरह से हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पहले ही कर चुके हैं, हालांकि इसे मैं फिर भी समझा दे रहा आपको कि इसे सॉल्व कैसे करना। ओके तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। सिंपली इसमें क्या है कि आप 3 गुना जो वृद्धि हुई है, 3 गुना जो दर्शाता है वो डायरेक्ट किसे दर्शाता है 200% को। हालांकि अगर मान लीजिए ऐसे नहीं करना, तो मान लीजिए 1 थी, ये 1 से क्या हो गया 3, तो आपको ये निकालना है कि ये कितने परसेंट वृद्धि हो गई। तो 1 से 3 होने में कितना अंतर आया 2 का, कितने वृद्धि हुई है 1 में, कोई भी यूनिट ले लीजिए आप, ये 3 यूनिट हो गया 3 गुना, तो 2/1 क्या होगा 1, आप परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 का गुणा कर दीजिए तो आपका क्या आया 200%। ओके तो आपको क्वेश्चन को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी थी, आपका आंसर उसी में हिडन था, तो ये इसको मान लिया कि 1 यूनिट था, 1 का 3 हो गया, तो उसी से हम लोगों ने निकाल दिया। ओके इसी बेस्ड पे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए यदि भारत की जनसंख्या 1 की जनसंख्या से 4.5 गुना है, अब डायरेक्ट आपको 4 गुना नहीं बोला ना तो 5 गुना, इसी को मैंने ब्रेक कर दिया 4.5 गुना है, तो USA की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, अब इस तरह से आपको याद करना है, तो आप डायरेक्ट अगर 4 गुना होती तो आप तो बता देते कि 300%, इस तरह से
अब इसको देखते हैं हम लोग, चूंकि इसमें आपको समझना कि यदि भारत की जनसंख्या यूएसए की जनसंख्या की 4.5 गुना है, तो यूएसए की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो आप देखिए यहां पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए यूएसए की जनसंख्या हो गई और ये भारत की, तो अगर हम लोग यूएसए की जनसंख्या का 4.5 गुना भारत की, तो यूएसए की यदि एक है तो भारत की कितनी होगी, 4.5। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन में आप रिवर्स कर लें कि भारत की है ना, यूएसए की मान लें, तो यूएसए की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या 4.5 गुना है, इस तरह से आपको समझना है। तो आप पूछे यूएसए की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो यूएसए की जनसंख्या ये भारत की निकालना, तो 4.5 नीचे इंटू 100, ओके। तो इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1.5 नीचे तो एक और ऊपर 0 हो जाएगा, 1000/45, ओके। इसको आप जब सॉल्व करें तो सिंपली किससे हो जाएगा, 5 से 5 × 45 और 5 × 20 = 100, तो कितना हो गया, 200/9, ओके। आप अगर इसे सिंपली अगर इसे कर दें कि 2/100/9, तो आपको 2/9 का तो मान ऑलरेडी पता ही रहता है कि 2/9 का मान कितना होगा, तो 2/9 का, 1/9 का आपको 11.11 आपने याद किया था, तो इसका क्या होगा, 22.22%, ओके। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो भाग देके भी निकाल सकते हैं, यही इसका आंसर होगा, ओके। तो आपको इजी वे में ये समझ में आ गया। चलिए इससे नेक्स्ट करते हैं हम लोग, थोड़ी सा पैटर्न चेंज करते हैं हम लोग। अब जैसे आपको पूछता है कि परीक्षा में इतने अंक आए, ये वाले क्वेश्चन करते हैं, अब परसेंटेज में ये वाले क्वेश्चन का पैटर्न भी बहुत ज्यादा आता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए टिंकू, ओके। टिंकू ने एक परीक्षा में 105 अंक प्राप्त किए, ओके, जो पूर्णांक का, जो पूर्णांक का 62.5% है। तो आपको बताना है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ओके। टिंकू अटेंड 100 मार्क्स इन एग्जाम विच वॉज 62.5 ऑफ टोटल मार्क्स, फाइंड टोटल मार्क्स। पूर्णांक को क्या कहते हैं, टोटल मार्क्स। तो आपको टोटल मार्क्स फाइंड आउट करना है कि टोटल मार्क्स कितने हैं, ठीक है। आपको ये समझना है कि सिंपली इतना आया है, ये प्राप्तांक परसेंट भी है और अंक भी, तो ये तो दोनों बराबर होंगे। तो मान लीजिए पूर्णांक एक्स था, तो एक्स का 62.2% इक्वल टू कितना होगा, 105 होगा, सिंपली यही है। या आप डायरेक्ट इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, चलिए मैं इसको पहले डिस्कस करता हूँ। आप देखिए इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो एक्स बड़े 62.5% का वैल्यू 100 बराबर क्या होगा, 105। अब इसको और करेंगे तो ऊपर दशमलव हटाने के लिए नीचे एक जीरो होगा, तो क्या होगा, 625/100, एक जीरो बढ़ जाएगा, क्या होगा, 105। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करने आएंगे तो ये थोड़ी सा तो लेंदी पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इसे याद रख रखा है कि 62.5% का मैंने आपको फ्रैक्शन याद करवाया था, अगर आपको अब फ्रैक्शन याद है तो आपको इजी वे में चला जाएगा। मान लीजिए अगर याद नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कट करेंगे 625/1000, तो इसे 5 से मान लीजिए काटिए, ओके। तो इस तरह से काटेंगे, ये होगा, अभी 5 से और जाएगा मान लीजिए, ओके, ये 25 से काट लीजिए, 25×5=125, 25×8=200। तो आपको फाइनली आया 5/8, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू ही हम लोगों ने याद किया था 5/8। तो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आपको ये स्टेप करने से बच जाएंगे कैलकुलेशन से, और आप फर्स्ट क्या करेंगे, एक्स का 5/8 = 105, और एक्स निकाल देंगे क्या होगा, 105, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो क्या होगा, 105/8/5 रिवर्स हो जाएगा इसका। तो आप 5 से काट दिए, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5,
और डायरेक्ट क्या होगा 21 गुणित 8, इसका अर्थ है 8 ही का 8, 8 दूनी 16, तो आपका पूर्णांक कितना आ जाएगा, टोटल मार्क्स 168। अब देखिए आपकी स्पीड यहीं पे इंक्रीज होगी, एक स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करेगा और इसको काट के वही लाएगा 5/8, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा फिर 168 आंसर लाएगा। आपको अगर डायरेक्ट याद है ये वाला फ्रैक्शन फॉर्म जो हम लोगों ने किया था, तो आप डायरेक्ट करेंगे पूर्णांक 62.5 को 5/8 लिखेंगे और डायरेक्ट उसको सॉल्व कर देंगे ओनली टू लाइंस में। ओके, तो यहाँ पे जो आपका टाइम बचेगा वही कहलाती है आपकी स्पीड, और मैथ्स में सभी कुछ क्या है, स्पीड ही है, स्पीड और एक्यूरेसी, कि आप कितनी स्पीड से करते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत बैंकिंग में टाइम देखते हैं आप लोग 60 मिनट के एग्जाम हो रहा है। ओके, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइम की है कि आप किस क्वेश्चन को कितनी स्पीड से करते हैं और एक्यूरेसी के साथ आंसर लाते हैं। इसलिए मैंने शुरू में हर एक परसेंटेज के आपको फ्रैक्शन फॉर्म याद करवाए थे, तो प्लीज आप उन्हें जहाँ स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने जो भी स्टडी टेबल होगी आपकी वहाँ पे एक पेज लीजिए और उसमें लिख करके आप चिपका लीजिए पूरे। ओके, तो आप बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ओके, तो इसी पैटर्न पे आधारित हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं, सेम एग्जाम की अगर हम लोग कुछ और चेंजेस करते हैं, जैसे मान लीजिए एक फल विक्रेता ने एक दिन में 90 सेब बेचे, ओके, जो कुल सेबों का 37.5% ओके है। आपको बताना है कि फल विक्रेता के पास कुल कितने सेब थे, के पास कुल कितने सेब थे। ओके, आपके ऑप्शन में दे रहा हूं चार ऑप्शन, ए 200, बी 240, सी 220 एंड डी 230। ओके, तो देखिए आपको सिंपली जो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे किया था तो उसमें टोटल मार्क्स पूछा था, इसमें आपके क्या पूछा कि टोटल एप्पल कितने थे उसके पास। ओके, तो वही बोला है कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल आपको फाइंड आउट करना है कि उसके पास कितने थे फ्रूट सेलर के पास। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए उसके पास कोई जैसे कि ये वाला जो रेशियो होगा सिंपल इसके इक्वल होगा, इसका 37.5% इक्वल टू क्या होगा 90, क्योंकि जब ये इक्वल है तो आप सीधे इसका 100% निकाल दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करिए इसको आप देखेंगे तो ये वाला मान लीजिए यहाँ एक्स पुट कर लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम जा रही तो एक्स का इसका आपको फ्रैक्शन फॉर्म याद होना चाहिए तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन हम लोगों ने याद किया था कि क्या होगा 3/8। ओके, तो आप क्या करिए एक्स 3/8 इक्वल टू 90 कर दीजिए, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 90 इंटू 8/3, अब 3 से कैंसिल जाएगा तो 3/8 = 24, तो आपका आंसर क्या हो गया 240। ओके, उसके पास टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने थे 240, इट मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ओके, इस तरह थोड़े से इसमें और चेंजेस करते हैं। मान लीजिए यहां पे थोड़ी सी चेंजेस कर दे रहा मैं, सिर्फ परसेंटेज का ही इसमें चेंजेस होता है, बाकी लैंग्वेज तो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फल विक्रेता ने एक दिन में 120 केले, मान लीजिए बनाना कर लेते हैं, केले बेचे जो कुल केलों का, ओके, जो कुल केलों का 16.66% थे। ओके, तो फल विक्रेता के पास, अब देखिए आपको यहां पे थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज कर रहा हूं कि जो फल विक्रेता है,
उसके पास उपलब्ध केलों में से, वह कितने केले नहीं बेच पाया? आपके मैं ऑप्शन दे रहा, ए ऑप्शन है 720, बी ऑप्शन है 600, सी ऑप्शन है 320 एंड डी ऑप्शन है 360। ओके, तो जितनों का है तो लोग आप इसे सॉल्व करके मुझे जब तक कमेंट करिए। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, इसे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे करना है। तो सिंपली ये वाला फ्रैक्शन है, तो हम लोगों को पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल बनाना। ओके, टोटल बनाना यानी टोटल उसके पास कितने केले थे। तो मान लीजिए उसके पास हम लोग देखते हैं कि टोटल कितने थे, एक्स, एक्स का 16.66%। आप देखिए इसको अगर आप लोग सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ी सा टफ होगा। इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन फॉर्म हम लोगों ने याद किया था, ये कितने का होगा। ओके, तो किसका था, 1/6 का। तो आप क्या करिए, x का 1/6 इक्वल टू क्या होगा, 120। तो x बराबर क्या होगा, 120 × 6। ओके, तो क्या होगा, 12×6 = 72। तो 720 तो उसके पास क्या थे, टोटल, टोटल बनाना थे। अब देखिए आपका ये आंसर नहीं है पहला ऑप्शन, इसलिए उसने आपका लॉजिकली क्या है, पहला ऑप्शन 720 लिखा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, 720 ही टिक कर देते हैं। देखिए उसने पूछा है कि उसके पास उपलब्ध केलों में से वह कितने केले नहीं बेच पाया। ओके, इसका अगर टोटल केले तो थे, उनमें से कितने बेचे, 120। तो अगर हम लोग 720 में से 120 केले बेच दिए तो कितने नहीं बेचे, तो कितने नहीं बेचे, 600। 720 में से 120 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 600। वह 600 केले नहीं बेच पाया, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी।